आज जो शुरुआत मैं करना चाह रही हूँ वो श्री गुरु अर्जन देव महाराज की वाणी जो बिलावल राग में है उसके साथ होगी। शब्द में ताली न बजाने की रिवायत है इसलिए मैं पहले से कह रही हूँ। दूसरा, शब्द से पहले नानक सर के संत बाबा ईश्वर सिंह जी एक धारणा गाया करते थे। धारणा इन द पंजाबी लैंग्वेज मीन्स ईजी टू सिंग एंड विच कैप्टिवेट्स योर माइंड, जो मन को नाम ईश्वर स्मरण को धारण करने की शक्ति प्रदान करे। सो उस धारणा से शुरू करेंगे, फिर एक शब्द, शब्द के बाद फिर जैसा वो बुलाएगा वैसा बोलेंगे। गुरां दिए संगते प्यारिये संगते प्रेम दा हुलारा दिए संग ते प्यारिये संग ते गुरा दिए संग ते प्यारिये संग ते प्रेम दा बुलारा एक मार के बोलो सतना बोलो सतना बोलो सतनाम बोलो सतनाम सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु प्रेम दा बुलारा एक मार के गुरां दिए संग प्रेम दा बुलारा एक मार के
वाहेगुरु बोलिए, वाहेगुरु बोलिए, तद बिन डोलिए, वाहेगुरु बोलिए, वाहेगुरु जपिए, मन तन तृपिए, वाहेगुरु जपिए, मन तन तृपिए, वाहेगुरु बोलिए, कद बिन डोलिए, वाहेगुरु बोलिए, वाहेगुरु बोलिए, कद बिन डोलिए, वाहेगुरु बोलिए, गुरां दिए संगते प्यारिए संगते, गुरां दिए संगते प्यारिए संगते, प्रेम दा हुलारा इक मार के बोलो सतनाम, 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 बोलो सतनाम। जना की रेन, रेन मतलब धूली, चरण धूली, दूसरा अर्थ इसका होता है रेन माने जो वाणी वो बोलते हैं। जैसे इस समय जो आवाज मैं बोल रही हूं वह आपके ऊपर ही तो गिर रही है, तो एक धूली वो जो तन पे लगती है, वाणी की धूली मन पे लगती है। साहब कहते हैं कि अपने मन पे अपने सद्गुरु की वाणी को रंगने के लिए तैयार हो जा, और सच्चा रंग चढ़ाने के लिए जो रंग कभी उतरे नहीं, ये मैं ले रही हूँ श्री गुरु नानक देव जी का शब्द है ये श्री राग में।
प्रेम से श्रवण करें, भाव से गाएंगे, मिलकर ये अरदास करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि संत के वचन रूपी ज्ञान रूपी ये धूले हमारे मन पे चढ़ जाए, उसका रंग हमारे को लगे। आई रे संत जना की रे न पाई रे संत जना की रे न पाई रे संत जना की रे न संत सभा गुर पाइए संत सभा गुर पाइए मुक्त पदार्थ दे संत जना की रेन पाई रे संत जना की संत जना की रे समाए लाल गुलाल गहबरा लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ सच्चा रंग चढ़ाओ सच मिले संतोखिया हर जप ये के पाए हर जप ये के पाए संत जना की रेन संत जना की रेन पाई जना की रे संत जना की रे संत जना की रे
संत जना की रे आई रे संत जना की रे संत जना की रे संत जना की रे संत जना की रे।
संत सभा गुरु पाइए मुक्त पदार्थ देण। कहते हैं सदगुरु की संत की सभा में आप जब पहुँचते हैं, आप जब संत की ऋण को धारण करते हैं, तो इसके फल का वर्णन करते हुए गुरुदेव कहते हैं कि इसका फल ये है कि आपको मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का बहुत लोग अर्थ ये समझते हैं कि दोबारा जन्म न होना मोक्ष होता है। ये बात कोई अनजान अज्ञानी बेसमझ ही कह सकता है, क्योंकि जो अभी बंधा है वह कभी मुक्त हो जाएगा। बंधन सच्चा होगा तो मुक्ति सच्ची होगी, पर अगर बंधन झूठ का होगा तो मुक्ति सच्ची कैसे हो सकती है? इसे यूं समझिए, आप सो रहे थे, नींद में आपको सपना आया कि आप किसी जंगल में गुम हो गए हैं, जंगली जानवर पीछे पड़ गए हैं, आप भागे भागे फिर रहे हैं, प्यासे हैं, कांटे चुभ गए हैं, दर्द हो रही है, भागा नहीं जा रहा, पीछे शेर आया जा रहा है, आप भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, इतने में शेर जोर से दहाड़ा, उसकी दहाड़ सुन के आप डरे, डर के गिरे और शेर ने छलांग लगाई आपको पकड़ने के लिए। उसका बड़ा सा मुंह आपकी गर्दन पे आने वाला था, चीख बजी, आंख खुली तो पता चला ये तो सपना था। सपने के शेर से मुक्ति कैसे होती है? सपने से जाग जाएं तो सिंपल, पर माने कि आपका जो स्वप्न है ये जाग के कहते हो स्वप्न है कि जब चल रहा होता है तब भी लगता है ये सपना चल रहा है? ये सपने की बड़ी माया है, जब सपना चलता है तो वही सच्चा लगता है, राइट? सपना जो सच न लगे, सच ये है कि वो सपना सच नहीं हो सकता। सपने की सच्चाई भी यह है कि वो है तो झूठ, पर जब दिखता है तो वो सच प्रतीत होता है। सपने में मिले दुख से छूटने के लिए हम कितना दौड़ें, दौड़ें कि जागें? What should be the solution? सिर्फ जागने की आवश्यकता है। सपने के शेर से बचने के लिए आप भागते रहो भागते रहो भागते रहो, बचेंगे नहीं। अच्छा, नींद खुद खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर नींद ना खुले खुद से तो क्या करे? और तुम रो रहे हो सपना देखते हुए और किसी ने देखा, अरे रो रहा है इसको जगाओ जगाओ, और किसी ने जगा दिया, आप जग गए तो सपने के दुख से छुट्टी हो गई। अच्छा, जब सपना छूटा तो आप जगाने वाले को क्या कहोगे? अरे भाई तूने बचा लिया, नहीं तो शेर खा जाता मुझे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि सपने में शेर खा ही जाए। अच्छा, सपने का शेर तुम्हें खा जाएगा तो तुम मर जाओगे क्या? ना, आप कहोगे मैं मारा गया शेर के द्वारा, शेर ने मुझे खा लिया था, फिर मैं शेर के पेट में रहने लग गया था, ये मैंने देखा। क्या बोलेंगे? ये मैंने देखा। तो जिसने देखा वो तो मरा नहीं, जो मरा था वो तो झूठ की काया थी, झूठ का शेर था, झूठ की मौत थी। संसार के इस खुली आंख के स्वप्न को देख के आप पीड़ित होते हैं, पर जिसकी आंख खुल गई वो कहता है अरे ये तो सपना है, झूठ है, उसे फिर दुख नहीं रह जाता। तो स्वप्न को स्वप्न जान लेना मोक्ष है,
और स्वप्न को सच मान लेना बंधन है। समझ लग रही जो मैं कह रही हूं?